हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 3.1 की थी। पार्ट सेकंड में अपन करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल और साथ ही में करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो यहां पर दो पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, एक पॉलिनोमियल को अपन को डिविडेंड की तरह लेना है और एक को डिवाइजर की तरह। वो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। एक चीज और ध्यान रखनी है अपन को, वैसे तो इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। जो अपन को ये चीज का ध्यान रखना है कि जैसे इस चीज को अपन यहाँ डिविडेंड की तरह लिख रहे हैं, तो इसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 4, तो फिर एक्स की पावर 3 की भी टर्म होनी चाहिए, एक्स की पावर 2 की भी टर्म होनी चाहिए, एक्स की पावर 1 की भी टर्म होनी चाहिए, विदाउट एक्स वाली भी। अगर कोई टर्म नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे, वो टर्म लिखकर उसके आगे 0 लिख देंगे। जैसे इसमें एक्स की पावर 4 तो है लेकिन एक्स की पावर 3 वाली टर्म नहीं है, तो प्लस 0 एक्स क्यूब कर दिया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म भी है और विदाउट एक्स वाली टर्म भी है। सपोज करो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती तो अपन क्या करते, प्लस 0 एक्स स्क्वायर कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज जो अपन को अच्छे से समझनी है कि जो डिवाइजर ले रहे हैं वो डिवाइजर भी ऐसे घटते हुए ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जैसे पहले एक्स स्क्वायर है तो फिर एक्स और फिर विदाउट एक्स। अगर क्वेश्चन में आगे पीछे कर रखा है तो अपन अरेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहां पर अगर कोई पावर मिसिंग है तो वो लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन को डिवाइड कैसे करना है, तो डिवाइड करने के दो स्टेप है, आप अच्छे से समझना, हर स्टेप में ये बार बार करना है। सबसे पहले अपन जिस चीज में डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली टर्म ये रही एक्स की पावर 4, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली टर्म, उन दोनों को डिवाइड करेंगे सिर्फ। उनको डिवाइड करना आसान है, अगर आगे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से। आप में से किसी को वेरिएबल को डिवाइड करना नहीं आता तो वेरिएबल में क्या करते हैं, जो सेम बेस सेम होने की वजह से पावर को माइनस करना है। तो एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 - 2 कितना रहेगा, 2, तो इसलिए एक्स की पावर 2 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो ये जो आएगी चीज उसको अपन कहां पर नोट करेंगे, यहां ऊपर नोट कर देंगे, ठीक है, ये अपन ने ऊपर नोट कर दिया। फिर क्या करना है अपन को, जो ये चीज है x की पावर 2 उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x की पावर 2 को अपन डिवाइजर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 4, x स्क्वायर को माइनस x से कराएंगे तो x की पावर 3, और x स्क्वायर को प्लस 1 से कराएंगे तो प्लस x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मल्टीप्लाई में भी आपको प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लाई करते समय वेरिएबल की पावर क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 2 थी, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। अब आगे करना कैसे है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पहला स्टेप क्या करेंगे, वापस रिपीट कर देता हूं, इसकी पहली टर्म यहाँ साइड में लिखेंगे, इसकी पहली टर्म यहाँ साइड में लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर अपन यहाँ नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस चीज को अपन ये जो ये चीज है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, एक्सप्रेशन जो आएगा वो अपन यहाँ नीचे लिख देंगे, जिसकी पावर जो है उसके उसके नीचे लिखना है। जैसे ये 4 पावर वाली है तो इसको 4 पावर के नीचे लिखना है, ये 3 पावर वाली है इसलिए अपन इसको 3 पावर के नीचे लिखेंगे, ये 2 पावर वाली है इसे अपन 2 पावर वाली के नीचे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से ठीक पहले अपन को क्या करना है, नीचे वाला जो ये अपन ने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें हर चीज के साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस का है इसको माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है इसको प्लस का कर देंगे, और ये प्लस का है इसको माइनस का कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो प्लस का 0, अब ये माइनस का नहीं प्लस का ही कहलाएगा, प्लस का 0 और एक्स क्यूब के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, पीछे एक्स क्यूब था इसलिए अपन एक्स क्यूब लिख देंगे। ये दोनों माइनस के, देखो ये तो माइनस का था अब ये भी माइनस का, तो पहले आगे वाली चीजें ऐड मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करना है। तो जैसे माइनस का 3 इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना पहला चीज हो गई। अब जो पीछे जो बची है उसको अपन ऐसे कैसे नोट कर देंगे, ये अपन ने ऊपर से वापस नोट कर दिया। अब अगला स्टेप अगेन वो का वो करना है, इसकी पहली टर्म ली एक्स क्यूब और इसकी पहली टर्म ली एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया एक्स, फिर इस एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, तो ये एक्स आया था इसलिए प्लस का एक्स था तो यहां पे नोट कर दिया,
और ये जो चीज है ये इसके नीचे नोट कर देंगे, क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला और एक्स वाले के नीचे एक्स वाला। फिर अपन को वही काम करना है, क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का फोर और ये प्लस का वन, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो वन मानेंगे। माइनस का फोर और प्लस का वन कितना होगा, माइनस का थ्री, और क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले थे इसलिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का फोर और ये माइनस का वन तो कितना रहेगा, प्लस का थ्री एक्स, और ये फाइव ऐसे कैसे नॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन वापस रिपीट करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, कितना रहेगा, माइनस का थ्री, ये माइनस का थ्री, यहां नॉट कर देंगे। अब इस माइनस के थ्री को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको अपन यहां पर नोट कर लेंगे, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री। फिर अपन को क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है, ये माइनस का है इसको प्लस का कर लेंगे, ये प्लस का है इसको माइनस का कर लेंगे, ये माइनस का है इसको प्लस का कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का फाइव, अब ये प्लस का थ्री एड कर देंगे तो कितना जाएगा एट। अब आगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अपन को डिविजन उस समय रोक देना है जिस समय यहां पर एक्स की जो पावर है वो यहां पर एक्स की पावर से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है, बराबर हो तब तक करना है। तो यहां एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब जीरो, यहां एक्स की पावर कितनी है टू, तो टू से छोटी हो गई तो अब आगे नहीं करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और रिमाइंडर क्या आ गया एट आ गया, ठीक है। अब अपन को एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में चार ऐसे क्वेश्चन है अपन को सब करने, तो एक मैं करता हूं फिर तीन आगे आपको सॉल्व किए हुए हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनकी। तो देखो स्टार्ट करते हैं, अपन को एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है तो एफ एक्स को यहां पे नोट करेंगे, जी एक्स को यहां नोट करेंगे। अपन को सेकंड रूल क्या था, जो एक्स की मैक्सिमम पावर थी उसके बाद सारी पावर नोट करनी है, तो जैसे ये एक्स की पावर थ्री थी तो फिर एक्स की पावर टू, फिर एक्स की पावर वन और विदाउट एक्स वाली पावर, और ये जो है इसको अपन को अरेंज करके लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर विदाउट एक्स वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो अरेंज किया। फिर वही सबसे पहले क्या करना है, इसकी पहली पावर लेनी है, इसकी सॉरी फर्स्ट टर्म लेनी है, इसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है, डिवाइड कर दिया तो देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा थ्री एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा थ्री एक्स, और ये थ्री ऐसे कैसे, तो ये अपन ने लिख दिया थ्री एक्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस थ्री एक्स को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो देखो थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर थ्री एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर। फिर थ्री एक्स को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा थ्री एक्स। ये जो चीज है ये अपन यहां पर नोट कर लेंगे, तो ये नोट कर लेते हैं थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर क्या अपन को नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज करने, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का सिक्स और इसके आगे कुछ नहीं है तो वन मानेंगे, माइनस का सिक्स और प्लस का वन क्या आएगा माइनस का फाइव, माइनस का फाइव और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस करते समय और माइनस करते समय सेम वाली चीजों को प्लस और माइनस करते हैं और जो पीछे वेरिएबल है वो वैसे के वैसे लिखते हैं। ये कुछ ऐसे है जैसे 1000 और 1000 ऐड करेंगे तो 1 और 1 ऐड करके क्या हुआ 2 और 1000 और 1000 2000 ही लिखेंगे ना पीछे, तो x और x को ऐड करेंगे तो 2x ही आएगा पीछे, दो बकरी और दो बकरी टोटल कितनी होगी चार बकरी ही होगी, पीछे गाय भैंस तो नहीं बनने वाली, तो ये एक्स स्क्वायर था ये एक्स स्क्वायर था तो प्लस माइनस करने से जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और विदाउट कोई दूसरे वाले वेरिएबल में ऐड नहीं करना, जैसे मैं आपको पूछूं कि दो बकरी और दो गाय टोटल कितने हुए, तो दो और दो तो चार कर देंगे पर पीछे क्या लिखूं बकरी या गाय, तो अपन ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करना है, एक्स वाले में एक्स वाला प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई अपन किसी को भी कर सकते हैं पर प्लस माइनस ऐसे करते हैं, ठीक है। आगे करते हैं, ये माइनस का थ्री और ये प्लस का टू, माइनस का थ्री और प्लस का टू होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या आएगा वन, ये एक्स लिख दिया और ये वाली चीज ऐसे कैसे नोट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखेंगे कि क्या आगे करना है, तो यहां देखो एक्स की मैक्सिमम पावर टू है, यहां एक्स की मैक्सिमम पावर टू है तो करेंगे, ये तब करना छोड़ना है जब एक्स की पावर क्या हो जाए कम आ जाए, बराबर हो तब तक करना है, तब भी बराबर है करेंगे। कैसे करेंगे, इसकी पहली टर्म यहां पे नोट कर ली, इसकी पहली टर्म यहां नीचे नोट कर ली, डिवाइड करते हैं,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा माइनस फाइव, ये माइनस फाइव अपन कहा नोट कर देंगे, यहां नोट कर देंगे, फिर इस माइनस फाइव को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस फाइव को एक्स स्क्वायर से कराया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव को प्लस टू एक्स से कराया तो माइनस का टेन एक्स, और माइनस फाइव को प्लस वन से कराया तो माइनस का फाइव। ये पूरा यहां पे नोट कर लेते हैं, माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस का टेन एक्स और माइनस का फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन को क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन इसको सॉल्व करते, देखो तो यहां पर अपन इसको इससे कट करेंगे, किसको इसको इससे कट करेंगे, तो ये तो कट हो जाएगा, ये प्लस का टेन और ये माइनस का वन, प्लस का टेन और माइनस का वन क्या आएगा, प्लस का नाइन एक्स, ये प्लस के फाइव और प्लस के फाइव कितना हो जाएगा, प्लस का टेन। क्या अब आगे कर सकता हूं, नहीं कर सकता, या एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है वन, जबकि यह एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है टू, तब आगे नहीं करेंगे बस छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन और ये हो गया अपना रिमाइंडर, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड और फोर्थ आगे सॉल्व किया हुआ है, आप वहां से पहले आप खुद प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो उसको देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपन को बेसिकली करना क्या है, ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो एक सिंपल सा मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, जैसे सपोज करो 15 है और मैं इसके फैक्टर करूं, तो 15 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 और 5 आएंगे, ठीक है। अब 3 और 5, 3 को अगर मैं 15 में डिवाइड करूं तो पूरी तरह से डिवाइड होगा, और 5 से डिवाइड करूं तो भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। इसका मतलब किसी भी चीज का जो फैक्टर होता है वो उस चीज को पूरी तरह से डिवाइड करता है। अब अपन को ये प्रूफ करना है कि ये चीज इसका फैक्टर है, तो बेसिकली अपन को क्या करना है, इस चीज को इससे डिवाइड कर देना, मतलब इसको डिवाइजर की तरह यूज करना है, इसको डिविडेंड की तरह यूज करना है और डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो ये नॉट अ फैक्टर होगा, एकदम सिंपल सा। तो बेसिकली इसमें भी क्या करना है, अपन को डिवाइड ही करना है, जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको डिविडेंड लेना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जिसे फैक्टर प्रूफ करना है उसे डिवाइजर की तरह लेना है और डिवाइड करना है। अगर पूरी तरह से डिवाइड होते हैं तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और नहीं हो रहे तो नहीं होगा, तो डिवाइड ही है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर वापस एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी को ये प्रॉब्लम रही हो, जैसे मान लो इस वाले डिवीजन में अपन ने क्या किया, डिवाइड किया, तो जब फर्स्ट स्टेप में अपन कैसे डिसाइड करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म थी, इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो ली और दोनों को डिवाइड कर दिया, और क्या आया टू टी स्क्वायर, ये टू टी स्क्वायर यहां पे लिख दिया। टी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, टी हो एक्स हो वाई हो, वेरिएबल तो वेरिएबल है। फिर ये टू टी स्क्वायर को यहां बाहर लिखा और जो अपना डिवाइजर था उससे मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराया तो आया टू टी फोर माइनस सिक्सटी स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखना, ये क्या है टी की पावर फोर, तो इसको टी की पावर फोर वाले के नीचे लिखा, ये क्या है टी स्क्वायर, तो इसको टी स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। साइन सिर्फ इन इन के चेंज होंगे, इसका नहीं होगा, ये अगले स्टेप में ऐसे कैसे नीचे आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये और ये दोनों चीजें ऐसे कैसे, बाकी सब प्रोसीजर वैसे कैसे, फर्स्ट दोनों में पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर होगा, लास्ट वाले में पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा तो फैक्टर नहीं होगा। स्टेप वगैरह सब लिखे हुए, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या होगा, एक पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज अपन को दे रखे होंगे और रिमेनिंग जीरोज अपन को फाइंड करने। अपन सब जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल में जो डिग्री जितनी आती है उतने ही जीरोज होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसमें से कुछ तो अपन को दे रखे होंगे और बाकी के फाइंड करने होंगे। तो एक एग्जाम्पल से पहले यह समझते हैं, जैसे ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरो ये है, बाकी के फाइंड करो। तो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, फोर। तो सबसे पहले अपन ने लिख दी कि डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फोर, तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज आएंगे, तो टोटल जीरोज आर फोर, टोटल जीरोज कितने आएंगे, फोर आएंगे, ठीक है। टू क्वेश्चन में गिवन है, बाकी के टू फाइंड करने। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो टू जीरोज गिवन है उनसे एक फैक्टर बना लेंगे, फिर पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। ऐसे कैसे, जैसे मैं आपको एकदम वापस अगेन एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 15 के दो फैक्टर है 3 और 5, अगर मैं 3 से 15 को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आता है 5, बोले तो दूसरा फैक्टर आ रहा है, और अगर 5 से 15 को डिवाइड करूं तो क्या आता है 3, जो कि दूसरा
फैक्टर है, ठीक है। तो अपन को जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं पहले उससे अपन एक फैक्टर बनाएंगे, और ये बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो जो अपन को जीरोस दे रखे होते हैं ये जीरोस बेसिकली किसकी वैल्यू होते हैं, एक्स की वैल्यू। अब ये अगर एक्स की वैल्यू ये है तो इसको अपन इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस रूट फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा जो बेसिकली इसका एक फैक्टर होगा। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, अब मल्टीप्लाई करा ये a माइनस बी ये a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब यहां पे देखो a का स्क्वायर करेंगे तो x और b का स्क्वायर करेंगे तो 5 बाई थ्री, क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा। दोनों के क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 3x, यहां क्या बचेगा 5 इक्वल टू जीरो तो है ही है, तो इसको इधर जीरो में इधर ट्रांसफर करेंगे, जीरो इंटू थ्री क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस फाइव, ये 3x माइनस फाइव सॉरी स्क्वायर था यहां पर, ये 3x स्क्वायर माइनस फाइव जो है बेसिकली क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर मैं इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन अपन को वैसे के वैसे ही करना है, तो सबसे पहले अपन इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे इसकी, और ये 3x, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे 3x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर को यहां ऊपर नोट करेंगे, फिर इस x स्क्वायर को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहां पर नोट करके सॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स ये पूरी तरह से डिवाइड होगा क्योंकि वो इसका एक फैक्टर है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो आप वापस कीजिए इस वाले क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब ये अनदर फैक्टर है, और अगर इसके जीरोस निकाल लूं तो वो रिमेनिंग जीरोस आ जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोस निकालने अपन को आते हैं, कैसे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर टू एक्स की स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स और ये वन की जगह वन, ठीक है। इक्वल में जीरोस क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये जीरोस निकलेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन, लास्ट दो टर्म में कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं था तो वन कॉमन ले लिया तो वैसे वैसे ही बच गया, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, ठीक है, और पीछे जो बचा एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो एक बार अब जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है तो ये कब पॉसिबल है, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था 3.1 में, तो दोनों में से कोई एक मल्टीपल किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एक बार इसको, दोनों से सेम वैल्यू आ रही लेकिन दो अलग अलग काउंट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो टोटल अपने कितने जीरोज आने चाहिए थे, फोर जीरोज आने चाहिए, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी थी, फोर, तो दो जीरोस क्वेश्चन में दे रखे हैं और दो अपन ने निकाल लिए, तो टोटल फोर जीरोस कौन से हो गए, रूट फाइव बाई थ्री माइनस रूट फाइव बाई थ्री माइनस वन और माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तो अभी आपने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 अपन करते हैं, ठीक है। वैसे के वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैसे के वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखो आप क्या, इसमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है अपन को और उसके दो जीरोस दे रखे, जीरोस थोड़े अजीब ढंग से दे रखे इसलिए मैं करवा रहा हूं, टू प्लस माइनस रूट थ्री। तो देखो स्टार्ट करते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, फोर, डिग्री फोर है, इसका मतलब है इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, फोर। उसमें से ऐसे दे रखा है कि रूट टू प्लस माइनस रूट थ्री, इस प्लस माइनस रूट थ्री का मतलब एक जीरो जो है टू प्लस रूट थ्री है और एक जीरो जो है वो टू माइनस रूट थ्री है, पहली चीज तो ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप इसको x के इक्वल और इसको भी x के इक्वल ऐसे करते ही थे, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो देखो ये टू इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का टू, ये प्लस का रूट थ्री इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इधर भी ऐसे कैसे करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का टू और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का रूट थ्री इक्वल टू जीरो। फिर अपन इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री और एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। यहां पर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा लेकिन अपन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे, देखो ध्यान से देखो,
एक्स माइनस टू इधर भी है, एक्स माइनस टू इधर भी है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स माइनस टू, ब्रैकेट में तो लिख ही सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माइनस ऐसे कैसे, और ये रूट थ्री, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। इसमें भी ये करते हैं, एक्स माइनस टू को ऐसे लिख देते हैं और ये प्लस वाला साइन और रूट थ्री को ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब अगर अपन अच्छे से देखें तो इसमें a माइनस बी ए प्लस बी दिखता है, जहां a की जगह x माइनस टू और b की जगह रूट थ्री है, तो क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, a का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी तो कितना हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बोलो तो फोर, माइनस की जगह माइनस, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा थ्री, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, फोर एक्स की जगह फोर एक्स, फोर माइनस थ्री की जगह ये प्लस का फोर माइनस का थ्री, इसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस का वन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरीके से अपना एक फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन को इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, डिवाइड का वो ही प्रोसीजर है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर जब इसको अपन डिवाइड कर लेंगे तो एक ये नया फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थर्टी फाइव, इसके अपन क्या करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर कैसे करने, माइनस टू एक्स के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें प्लस और माइनस करने पर तो टू आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, तो 7 और 5 हो जाएंगे। अब 7 और 5 को माइनस करना है तो एक को प्लस और एक को माइनस लेना पड़ेगा, किसको प्लस का किसका माइनस का लेंगे, यहां पर मेरे को माइनस का 2x चाहिए इसलिए ये माइनस का 7x लिया और प्लस का 5x, ताकि इन दोनों को जब मैं माइनस करूं तो 2x तो आए लेकिन वो किसका है माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। फिर अपन इसमें इन दो में कॉमन ले लिया, इन दो में कॉमन ले लिया, x माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस सेवन से क्या आ जाएगा x इक्वल टू सेवन, और x प्लस फाइव से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो जीरोस दे रखे थे, टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, और दो जीरोस और आ गए, सेवन और माइनस फाइव। एक और क्वेश्चन ऐसा है आगे किया हुआ है सॉल्व, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो उसे देख लेना। फिर एक और क्वेश्चन है अपन को करना है, पहले आप ये कर लीजिए फिर अपन वो करते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, किससे डिवाइड करना है, जी एक्स से, और क्वेश्चेंट और रिमाइंडर जो है, ये क्वेश्चेंट रह रहा है, ये रिमाइंडर रह रहा है, और जी एक्स अपन को फाइंड करना है। ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता ही है। अब डिविडेंट की जगह अपन डिविडेंट की वैल्यू लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, gx तो अपन को मालूम है नहीं तो ऐसे कैसे नोट कर देते हैं। मल्टीप्लाई qx, qx कितना है x माइनस टू दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस और rx रिमाइंडर कितना दे रखा है माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। अपन को ये निकालना है, देखे करके सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये क्या था माइनस, ये पहले ये वाला यहां पे देखो, अपन क्या करते हैं इसको इसको इधर माइनस लिख देते हैं और इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 2x माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है। अभी ब्रैकेट हटाते ही नहीं, ब्रैकेट के बाद प्लस था इसलिए इधर माइनस लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर का ऐसे कैसे, ठीक है, इक्वल टू जी एक्स और साथ में क्या है x माइनस टू, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फोर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू जी एक्स और एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, देखो एक्स क्यूब की ये एक ही टर्म है पूरे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स की दो टर्म हो गई, इन दोनों को एड कर देंगे कितना हो जाएगा थ्री एक्स, इन दोनों और विदाउट एक्स वाली ये दो टर्म है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का टू और माइनस का फोर माइनस का टू, कोई प्रॉब्लम है। अपन को जी एक्स निकालना है तो ये जो टर्म है इसको भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये आगे इधर एक्स माइनस टू, तो बेसिकली अपन को जी एक्स निकालने के लिए इसको इससे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, डिवाइड कर दे, ये अंदर लिख दिया और ये अपन ने बाहर लिख दिया, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं स्टेप, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का और ये कैसा हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये प्लस का टू और ये माइनस का थ्री तो क्या रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऊपर वाले ऐसे कैसे नोट कर देंगे, प्लस थ्री एक्स माइनस टू। फिर अगेन इसकी फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म एक्स, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। इस माइनस के एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस के एक्स को माइनस के टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का टू एक्स, ठीक है। और ये माइनस का टू जो है वो ऐसे कैसे, सॉरी बस इतना ही करना, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स क्या रहेगा, प्लस का एक्स, और ये माइनस टू नीचे नोट कर देंगे। अगेन इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वन, ठीक है। वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, जीरो रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब एक्स माइनस टू ने इसको पूरी तरह डिवाइड किया। अब जो आंसर आया है वो बेसिकली किसकी वैल्यू है, जी एक्स की, तो जी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस तरीके से अपन ने इस पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीटली किया, जितने भी एग्जाम्पल थे, दो एग्जाम्पल थे वो भी किए और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चन को वापस अच्छे से वापस मिलाएंगे कॉपी में और खूब सारा हार्डवर्क करेंगे। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।